देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। सिद्धार्थनगर जिले का स्वास्थ्य महकमा वसूली का अड्डा बनता जा रहा है। ताजा मामला है जिले के बांसी तहसील से। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेसरहा का है। यहाँ प्रसव के दौरान तैनात ANM का पैसे लेकर वीडियो वायरल हो रहा है। ANM बाकायदे कैमरे पर पैसा लेते हुए ये कहती नजर आ रही हैं कि पैसा डॉक्टर और बाबू को देना पड़ता है। इससे पहले भी इस केंद्र पर तैनात एक ANM का पैसा लेते वीडियो वायरल हुआ था और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी हुई थी। फिर से इसी केंद्र पर तैनात दूसरी ANM का पैसा लेते हुए मौसी घर हम रहे बतिया सही बात कुछ कम ले लिया जा देख लिया जा भैया देख देख लिया क्या देख लिया जाए कुछ कम कर तो लक्ष्मी की बात नहीं है। बात ये है कि हम लोगों को जमा करना पड़ता है। मैं कौन आए परंगा अपने तरह का फसल बनाते आप और मेहनत किए गए। वीडियो वायरल होना कहीं ना कहीं विभागीय मिलीभगत की तरफ इशारा कर रहा है और इसकी पुष्टि भी खुद अवैध वसूली करने वाली ANM कर रही है। वायरल वीडियो में दिखने वाली महिला का नाम सन्नो वानो बताया जा रहा है, लेकिन ये जांच का विषय है। अच्छी बात है आप लोग ये वायरल हुआ है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। कभी मेरे संज्ञान में नहीं आया और जैसे आएगा या कोई हमको आप लोग सूचना दे दीजिए मैं इसकी जांच करा के उसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई करूंगा। यह कभी नहीं होना चाहिए खासतौर से हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। वहीं अवैध वसूली का वीडियो वायरल होने के बाद जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्रवाई करने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन अभी भी इनको लिखित शिकायत का इंतजार है। ऐसे में आखिर जिले के स्वास्थ्य महकमे में कैसे खत्म होगा गरीबों का खून चूसने का खेल, कब तक चलेगा? सिद्धार्थनगर से संवाददाता संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।